अब भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं, अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स, 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506027159, 111229620। वैराग्य शतक एक अज्ञात कर्तिक ग्रंथ है, जिसके माध्यम से सभी संसारी सामान्य जीवों के लिए एक सरल उद्बोधन प्राप्त हो रहा है। और वह सरलता इसलिए है क्योंकि इस ग्रंथ में कोई सैद्धांतिक कठिन बातें नहीं हैं, वो सरल बातें हैं जो सबके ध्यान में भी आती हैं और सबको कभी ना कभी महसूस भी होती हैं। इन्हीं बातों को पढ़ते पढ़ते हम 62 गाथाएं पढ़ चुके हैं, आज 63, 64 और 65 भी गाथा पढ़ते हैं। तिरिय गईम अनुपत्तो भीम महावेणा अनेग विहा जम्मण मरण रहठे अनंत खुत्तो परे भमियो जावन्ति केवि दुखा सारी रामायण सावसं सारे तत्तो अनंत खुत्तो जीवो संसार कंतारे तन्ना अनंत खुत्तो संसारे तारिसी तुमं आसी जंपसमेउं सव्वो दहीणमुदयमणतिरिज्या। ये गाथाएं हैं जिनके अर्थों में अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि इस जीव ने तिरिय गईम यानी तिरियंश गति को प्राप्त करके भीम महावेरणा अने विहा अनेक प्रकार की बहुत भयंकर महावेदना प्राप्त कर ली है। यानी तिरियंश गति में यह जीव भ्रमण करके बहुत बड़ी बड़ी वेदनाओं को झेल चुका है। जम्मण मरण रहट, ये जन्म मरण की एक रहट चल रही है जिसमें यह जीव अनंत बार इस तरह से तिरियंश गति में अनेक तरह के जीव आदि बनकर के परिभ्रमण कर चुका है। इस जीव को संबोधन दिया जा रहा है जो मनुष्य भाव में है, और इस मनुष्य गति के जीव के लिए कहा जा रहा है कि आपने तिरियंश गति में अनेक बार अनेक प्रकार की वेदनाओं को सहा है। जब किसी मनुष्य के लिए ऐसा कहा जाता है तो हो सकता है कि उसे थोड़ी नाराजगी भी हो जाए,
कि हम तो यहाँ पर बहुत अच्छा मनुष्य जीवन लेकर के बैठे हैं, एक बहुत प्रतिष्ठित जीवन लेकर के बैठे हैं, बहुत अच्छी स्टेज पर हैं, और आप हमारी बिल्कुल ही जो है एक गाथा में सारी धो देते हो, तो कई लोग नाराज भी हो जाते हैं कि हम तो मनुष्य बने हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत ज्ञान अर्जित किया है, विवेकपूर्ण जीवन जी रहे हैं, और हमारी समाज में प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, और आप बच्चों के सामने, हमारी पत्नी के सामने, हम सब एक साथ बैठे होते हैं, माता पिता भी बैठे होते हैं, सबके सामने आप कुछ भी धो देते हो बिल्कुल, और ये धोना ही कहलाता है। चाहे बच्चे बैठे हो, पत्नी बैठी हो, पति बैठा हो, माता पिता बैठे हो, सबके सामने, सबके लिए यह उपदेश, किसी एक को नहीं कहा जा रहा जो एक को बुरा लगे। कोई एक दूसरे की तरफ देखे तो ये तब देखना होता है जब किसी एक के लिए कहा जा रहा हो और दूसरा उसकी ओर देखे, भाई देख ले तेरे लिए कहा जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं है। तो सबके लिए जब कहा जा रहा है तो कोई भी अगर एक दूसरे की तरफ देखेगा तो सबको समझ में आएगा कि भाई ये सामान्य उपदेश है और सामान्य सबके लिए होता है। और देखा जाए तो उपदेश सामान्य ही होता है। दो तरह के उपदेश होते हैं, एक सामान्य उपदेश और एक विशेष उपदेश। तो सामान्य उपदेश जो होता है वह सामान्य दिनों में होता है और सामान्य जनों के लिए होता है। क्या सुना? सामान्य उपदेश सामान्य दिनों में होता है और सामान्य जनों के लिए होता है, और विशेष उपदेश विशेष दिनों में होता है और विशेष जनों के लिए होता है। ठीक है ना? दो दिन से कुछ विशेष भी चल रहा था और वह जो अलग अलग जगहों से बाहर से बहुत सारे बच्चे आए थे, कोई सीए करके आया था, कोई कैट का एग्जाम दे करके आया था, कोई नेट का एग्जाम निकाल के आया, कोई नीट का निकाल के आया, कोई क्लैट का निकाल के आया, जगह जगह से बच्चे जो बाहर से आए, उन सब के लिए वह जो दो दिन थे वो विशेष दिन थे। और इन विशेष दिनों में जो प्रवचन हुए, जो उनके लिए ज्ञान दिया गया, वो भी विशेष था। ये बात अलग है कि हमें दोनों तरह के रोल प्ले करने पड़ते हैं, सामान्य भी और विशेष भी। जब आपके सामने बैठते हैं तो ये सामान्य दिनों का, सामान्य जनों का काम चलता है, तो इसमें सामान्य रोल प्ले करना पड़ता है, और जब उन विशेष रूप से विशेष बच्चों के सामने कुछ विशेष बात होती है तो उसमें कुछ विशेष ज्ञान भी देना होता है। तो कुल मिलाकर के जो अनेकांत धर्म कहता है वो यही कहता है कि हम सामान्य और विशेष दोनों रूपों को धारण करें, और धारण क्या करें, वो हमारे अंदर रहते ही हैं। सामान्य और विशेष दोनों तरह के गुणधर्म हमारे अंदर रहते हैं, और इन्हीं दोनों गुणधर्मों के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। आप देखते हो रोजाना आप भोजन करते हो वह सामान्य भोजन होता है, और कभी कभी आपके घर में कोई उत्सव का दिन होता है तो फिर आप कुछ विशेष भोजन भी करते हो। तो विशेष हमेशा नहीं होता, सामान्य हमेशा नहीं होता, सामान्य विशेष चलता रहता है, लेकिन जिन्हें सामान्य विशेष की संयोजना एक साथ करनी होती है तो भी कभी कभी लोग विचार कर लेते हैं कि भाई बहुत खाली दाल रोटी, बहुत खाली है चावल और खिचड़ी, अब थोड़ा कुछ मीठा भी हो जाए तो वो विशेष हो जाता है। यानी व्यक्ति सामान्य के साथ में विशेष को हमेशा पसंद करता है, और इस तरह से ही जीवन का क्रम चलता रहता है। दिनों में भी देखते हैं तो जिन दिनों में कुछ विशेष आयोजन हो जाते हैं वो विशेष दिन हो जाते हैं, और फिर जिन दिनों में बीच में कोई आयोजन नहीं होते हैं वो सामान्य दिन होते हैं। तो आपके सामने ये जो उपदेश है ये सामान्य रूप भी है और विशेष रूप भी है। सामान्य होता है थोड़ा सा विशेष हमें भी बना देना पड़ता है, क्योंकि केवल दाल रोटी खाते खाते आप भी अघा जाओगे
तो फिर कहोगे रोज रोज वही दाल रोटी कैसी अच्छी लगेगी। तो इसलिए उसी दाल रोटी में से कुछ ना कुछ ऐसा बना लिया जाता है जो आपको विशेष लगने लग जाए। और विशेष क्या होता है, उसी दाल का थोड़ा वो पराठा टाइप का बना देते हो तो वो क्या चीतड़ा वीतड़ा क्या बोलते हो चीला तो वो चीला बन जाता है। उसी दाल की जो है पकौड़ी बना देते हो तो पकौड़ी बन जाती है, पकौड़ा बना देते हो तो पकौड़ा बन जाता है ना। उसी दाल का जो है किसी भी तरह का कोई गोल गोल अप्पा बना दो, गप्पा बना दो, वो सब बन जाता है। तो ये सब सेम बदलते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें नई नई बन भी जाती हैं, लेकिन दाल की तो क्वालिटी वही रहती है। इसी तरह से आचार्य यहां उपदेश दे रहे हैं, और वह उपदेश देखा जाए तो सामान्य ही होता है। जब हम समझते हैं ये बात को, जानते हैं कि यह आत्मा यह जीव पिछले जन्मों में अनेक अनेक तरह के पर्यायों में अनेक अनेक तरह की गतियों में भ्रमण कर चुका है, ये बात हमको पता तो होती है। और ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये चीज सुन भी रखी होती है। जब तक आपके लिए कभी कोई चीज सुनने में आई आप उसे छोड़ देते हो, भूल जाते हो, लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर अगर उसे याद दिलाई जाती है तो थोड़ी सी उसकी भूमिका बनानी पड़ती है, क्योंकि एकदम से आपका माइंड इस बात को सुनने के लिए तत्पर नहीं होता कि ये बात हमारे लिए कहीं अच्छी लग रही हो। भला किसको अच्छी लगेगी अगर हम आपसे कहें कि अपन पिछले जन्म में सब प्रकार के त्रियंश बन चुके हैं। बात गले उतरती, और उन त्रियंशों में भी सब प्रकार की हम वेदना सह चुके हैं, और वो वेदनाएं छोटी मोटी नहीं होती, महाभीम वेदनाएं, भयंकर वेदनाएं हम सह चुके होते हैं, अनेक प्रकार की वेदनाएं हम सह चुके होते हैं। माने अगर हम ये देखें कि आत्मा की सहन शक्ति कितनी है, जैसा उस आत्मा के लिए किसी भी तरह का दुख मिलता है, उसे किसी भी तरह की पीड़ा मिलती है, आत्मा आखिर सह तो लेती ही है। कष्ट होता है, चिल्लाता है, लेकिन चिल्लाते हुए भी सहन कौन कर रहा होता है, आत्मा ही कर रहा होता है। हम दूसरे को अगर देखें उस पीड़ा में तो लगता है कि कैसे सहन कर रहा होगा, लेकिन वही पीड़ा जब हमारे ऊपर भी आती है तो हम भी उसी तरह से सहन कर जाते हैं जैसा दूसरा कर लेता है। दूसरे को देख करके लगता है कि ये पीड़ा बहुत बड़ी है, ये पीड़ा कैसे सहन कर रहा होगा, लेकिन जब वह पीड़ा खुद पर आ पड़ती है तो वह किसी ना किसी तरह से उसको सहन कर लेता है। ये कहलाती है सहन शक्ति। क्या बोलते हैं, ये सहन शक्ति है। अब ये सहने की शक्ति शरीर की शक्ति नहीं होती है, ये आत्मा की शक्ति होती है। शरीर तो क्या सहन करेगा, शरीर को अगर सहन होता तो रोग होते ही क्यों, शरीर को अगर सहन होता तो उसके लिए बंधन में डाल करके उसी को पीड़ा हो जाती, आत्मा को पीड़ा होती क्यों। तो सहन शरीर नहीं करता, सहन कौन करता है, हमारा आत्मा करता है। सहन शक्ति शरीर में नहीं होती, सहन शक्ति आत्मा में होती है, और उस सहन शक्ति के कारण से ही वह आत्मा बड़ी बड़ी पीड़ाओं को, बड़े बड़े दुखों को सहन कर लेता है। मनुष्य जन्म में भी सहन कर लेता है, त्रियंश गति में भी सहन कर लेता है, यहां तक कि नरक गति में भी सहन कर लेता है। पिछले दिनों में नरक की बात बताई थी, अब ये बात बढ़ते बढ़ते आगे निकल करके त्रियंश गति की आ गई। आप देखो त्रियंश गति में भी कितनी पीड़ाएं, अगर हम उन जानवरों को सामने देख लें तो हमारे अंदर विचलितपना आ जाए, हम अपना धैर्य खो बैठे कि इतना दुख, इतना दुख, कितने तरह से उनको पीड़ित किया जाता है, कितने तरह से उनको बांधा जाता है, कितने तरह से उनको बंधनों में रख करके उन्हें मरण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये तमाम तरह की भयंकर पीड़ाएं जिनके कारण से उनके प्राण कभी भी निकल सकते हैं और वो निकलते हुए देखते रहते हैं, उनके पास भी मन होता है,
एक साथ 50-100 कोई भी जानवर बंधे पड़े हैं और एक एक करके सबको मारा जा रहा हो, और वो देख रहा हो कि ये इसको मारा जा रहा है, इसके ऊपर ये छुरी चला दी गई, इसके ऊपर तलवार चला दी गई, इसको यहां से काट दिया गया, इसको यहां से काट दिया गया, ये चीख रहा है, लेकिन जिसका नंबर नहीं आया है वो सब देख रहा हो, आप सोचो उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और उसे ये भी लग रहा है कि अब ये नंबर धीरे धीरे मेरे ऊपर भी आने वाला है, क्योंकि जहां पर एक साथ सब बंधे हुए होते हैं, सबके कत्ल एक एक करके वह हो रहे होते हैं और वह देख भी रहा होता है, उस समय पर उसके मन में कितना भय होता है, कितना वह भीतर से डरा हुआ दुखी हुआ होता है वह जानवर, जब वह ये देख रहा हो कि अब ये बारी मेरी आने वाली है, मेरी गर्दन पर अब छुरी चलने वाली है, और वह सब देख रहा है सामने, ये सब एक एक करके, ये सब मेरे ही जैसे लोग थे, सब कट गए, सब मर गए। आपको ऐसा लगता है कि जैसे पशु को कुछ समझ नहीं आता, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता, लेकिन उन्हें हम लोगों से ज्यादा ज्ञान होता है, उनकी इंद्रियां हम लोगों से ज्यादा सशक्त होती हैं, उनका मन हम लोगों से ज्यादा चीजों को जो आगे होने वाली है उन्हें भांप लेता है, और वह हमसे ज्यादा उनकी इंद्रियां काम करती हैं, इस कारण से वे अपने मन में समझ लेते हैं कि ये जो हमारे साथ में थे, आपको देखने में सब पशु एक जैसे लगेंगे, सभी भैंस देखोगे आपको सब एक जैसी लगेंगी, सब गाय देखोगे आपको सब एक जैसी लगेंगी, लेकिन गाय को पता होता है कि ये कौन गाय कब की है, कहां से आई है, कैसी है, कौन सी है, और वह सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन अगर उनके समक्ष वह मरण होता हुआ देखता है वह जानवर, और उसका भी जब नंबर आता है, तो आप समझ सकते हो कि वह पीड़ा कितनी बढ़ चुकी होती है, भय डर भीतर से आक्रांत मन की स्थिति कितनी तीव्र हो चुकी होती है, जिसके कारण से वह जीव अपने प्राणों को त्याग तो देता है, लेकिन कितना तड़पता है, कितना व्याकुल होता है, कितना उसे उस पीड़ा को सहन करना पड़ता है, यह आप सोच सकते हो उन जानवरों की महाभयंकर वेदनाओं को देख करके। और ये वेदनाएं आपको आपके मोबाइलों पर भी देखने को मिल सकती हैं। इन वेदनाओं को देख करके हमें लगता है कि देखो ये इनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, कितनी पीड़ा ये सहन कर रहे हैं, लेकिन यहां आचार्य कहते हैं ऐसी वेदनाएं अपनी आत्मा भी सहन कर चुकी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, यहां बस नहीं होता है, बस करो बस करो, बहुत हो गया बहुत हो गया, अब दुख मत देना भगवान, तो यहां कोई भगवान नहीं होता है कुछ भी बताने वाला, ना कोई भगवान के सामने की गई प्रार्थना कोई काम करती है, यहां पर कोई भगवान आपको ना पशु बनाता है, ना नारकी बनाता है, ना भगवान के सामने की जाने वाली प्रार्थना से कोई बचाव होता है, बचाव होगा तो कैसे होगा। इस प्रकार का जब हम उपदेश सुनते हैं, हमारे ज्ञान में जब ये चीजें आने लग जाती हैं, तो हमारे अंदर के परिणाम दूसरे जीवों के प्रति दया के साथ जुड़ जाएं, दयालु हो जाएं, और हमारे अंदर जो ये भाव आता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमें सिर्फ डराने वाली बातें हैं, अगर बच्चों को बताया जाए तो बच्चे सबसे पहले क्या बोलेंगे, ये सब बातें हमें डराने के लिए किया जाता है ताकि हम धर्म करने लग जाएं, ताकि हम मंदिर जाने लग जाएं, लेकिन इन बातों में डराना नहीं होता है, ये बातें वास्तविक हैं, और अगर इन बातों को सुनने के बाद भी अगर कभी डर लग जाए और उसके कारण से भी धर्म में मन लग जाए, तो भी आचार्य कहते हैं वो अच्छा है डर, वो डर बुरा नहीं है। कौन सा डर? मैं कभी पशु ना बन जाऊं, मैं कभी पक्षी ना बन जाऊं, मेरे को कभी ऐसे ही मुर्गा मुर्गी बनकर के कभी मरना ना पड़ जाए, हे भगवान मेरी आत्मा कभी इस प्रकार की गतियों में न चली जाए, इस तरह का जो विचार अपने अंदर अगर आता है तो वह डर भी बहुत अच्छा माना गया है।
उस डर से ये नहीं होगा कि आप डर से सहम जाओगे या डर से कहीं दुपक करके बैठ जाओगे या कहीं किसी को देखोगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वह डर आपको पाप करने से बचाएगा, आपके अंदर राग की कमी लाएगा, कसाई की कमी लाएगा, और उस कसाई की कमी के कारण से आपके परिणामों में एक मंदता आ जाएगी, कसाई की मंदता आ जाएगी, जिसके माध्यम से आपको संसार से भीति उत्पन्न होगी। ये कहा गया है संसार से डरना, किससे डरना, किससे डरना, संसार से डरना। अब संसार क्या चीज है, तो जो संसार हमारे सामने है इस संसार से डरना, संसारी व्यक्ति से मत डरना लेकिन संसार से डरना, संसार का स्वरूप जान करके अपने मन में विचार करना कि इस संसार के इस कार्य में, जन्म मरण की इस रहट में हर आत्मा कई बार इस तरह से त्रियंश पर्याय को प्राप्त होता है, अनंत बार इस तरह की हमने वेदनाओं को सहन किया है, और ये वेदना और कोई नहीं हमारी आत्मा भी सहन कर चुका है। अब आप उससे फायदा भी उठा सकते हो, उससे आप धर्म भी कर सकते हो, और इस तरह की भावनाओं के माध्यम से आपके अंदर एक आत्मशक्ति भी बढ़ सकती है। अगर हम इसके पॉजिटिव तरीके देखें तो, अगर हम इसके सकारात्मक पहलू देखें कि इस प्रकार के ज्ञान से हमें क्या मिलता है, तो हमारी सहनशीलता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, जैसे कोई बच्चा रो देता है और बच्चा कहीं गिर पड़ा हो, एकदम से चोट खा गया हो, और वो बच्चा पहले भी इस तरह से गिरता रहा हो, चोट खाता रहा हो, आज वो बच्चा जब फिर गिर गया तो मां ने उसे उठाया और कहने लगी, बेटा बहुत ज्यादा नहीं लगी, इससे ज्यादा तो तेरे को बहुत पहले लग गई थी, जब तू 6 महीने पहले गिरा था ना तब बहुत ज्यादा लग गई थी। तो जैसे ही मां ने उसको, उस बच्चे को याद दिलाया कि 6 महीने पहले जब तू गिरा था तब इससे भी ज्यादा चोट लगी थी, ये तो अभी बहुत बच गया, बाल बाल बच गया, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? मां के इस प्रकार बोलने से बच्चे के दुख में कमी आएगी कि नहीं आएगी, और बच्चे को जो अभी दुख होना था उसको सहन करने की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। ये तरीका होता है कि नहीं? ठीक ऐसे ही आचार्य हमें इस ज्ञान के उपदेश के माध्यम से हमें समझा रहे, बेटा आज तू छोटी छोटी चीजें सहन नहीं कर पा रहा, इससे ज्यादा तो दुख तू पशु पर्याय में जब तुझे बांधा गया था, रौंदा गया था, तुझे काटा गया था, तूने सब सहन कर लिया था, आज तुझे छोटी छोटी सी पीड़ा बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, इससे बड़े बड़े कष्ट तू पहले सहन कर चुका है, तेरी आत्मा में बहुत शक्ति है, इस सहन शक्ति को तू अपने अंदर भांप, अपने अंदर देख, तो क्या होगा, बड़े बच्चों के अंदर भी एक सहनशीलता आ जाएगी, आएगी कि नहीं? आप विचार करो, जब आपके सामने कोई कष्ट हो, शरीर में कोई रोग हो, पीड़ा हो, और आपको उस समय पर कोई बता दे कि इससे भी ज्यादा पीड़ा आप उस नरक में या त्रियंश गति में सहन कर चुके हो, तो आपको अगर विश्वास हो जाए कि इससे भी ज्यादा, हाँ बेटा इससे भी ज्यादा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पापा ने तेरे गाल में एक ही चांटा मारा और उस चांटे से ना तेरे गाल पे कोई लकीर का निशान आया ना कुछ आया, जब तू बैल था तो तेरे ऊपर कितने कोड़े मारे जा रहे थे, बार बार इतने कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए, तेरे पीठ पे खून निकल आता था, बिल्कुल खून खच्चर हो जाता था, और फिर भी तू कुछ नहीं कह पाता था क्योंकि तेरी गर्दन पीछे तक भी घूम नहीं सकती, मालिक को देख भी नहीं सकती, ऐसी बांध दी गई थी, और तूने सबको सहन किया, जैसे वो चलाना चाहता था तू चलता था, वो दौड़ाना चाहता था तो तू दौड़ता था, वो तेरे ऊपर जितना भी बोझा ढोना चाहता था तुझे ढोना पड़ता था, तू कुछ कह ही नहीं सकता था,
क्योंकि मालिक तेरे आगे नहीं रहता था, मालिक तेरे पीछे चलता था। सिंह अगर तू मारना भी चाहे तो मारने के लिए कोई सामने नहीं मिलता था, और तुझे सब कुछ वो सहन करना पड़ा। तू कितना खून खच्चर हो गया था ये मैं देख रहा था। कौन? वैराग्य शतक को बनाने वाले आचार्य कह रहे हैं, मैं देख रहा था तू उस समय कितना खून खच्चर हो गया था, लेकिन तेरे मुंह से ना कोई आवाज निकलती थी ना कोई कराहट होती थी। तुझे पता था कि मेरी आवाज को कोई यहां सुनने वाला नहीं है। तू मन ही मन में रो लेता था, तेरी आंखों में आंसू तो आ जाते थे, लेकिन उन आंसुओं को कोई देखने वाला होता नहीं था। और आज पापा ने एक छोटा सा चाप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया, भाई ने एक थोड़ा सा थप्पड़ मार दिया, तो तू आग बबूला होता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तेरे दोस्त ने तेरे को थोड़ा सा पिटाई कर दी तो तू आग बबूला होता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है, और इस सहन शक्ति के भाव के साथ में अगर तू आज भी अपने मन में भावना करेगा मेरे पास बहुत सहन शक्ति है, तो तू इन सब चीजों को भी भूल सकता है और इन सब चीजों को भी सहन करके दूसरों को क्षमा कर सकता है। ये सहन शक्ति बढ़ाने की बात है। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान से हमें क्या मिलेगा, हमारी सहन शक्ति बढ़ सकती है जब हम ऐसा विश्वास कर लें। तो आप देखते भी हो मनुष्यों में भी कितने तरीके की पीड़ाएं, कितने तरह के रोग हो जाते हैं, और कितनी बुरी तरह से अपन तड़पते हुए देखते हैं मनुष्यों को भी। और उस समय पर आप उन्हें अगर कहीं ये उपदेश दे सको, कहीं समझा सको, भाई परेशान मत हो, दुखी मत हो, इस तरह की पीड़ा, इससे भी ज्यादा पीड़ा, इससे भी बहुत ज्यादा पीड़ा हमने भी सहन की, तुमने भी सहन की, लेकिन अब इस समय पर परिणामों में शांति रखो, परिणामों में शांति रखो, दुखी मत हो, आकुल व्याकुल मत हो। अगर आपके थोड़े से सहलाने से, थोड़ा सा कहने से उसके परिणामों में शांति आ जाए, तो यही इस उपदेश का सार है। अन्यथा इन उपदेशों का मतलब ही क्या? आप कहोगे कि हम त्रियंश बने हैं, आप कह रहे हो इसलिए मान ले रहे हैं, वैसे लगता नहीं महाराज हम कभी त्रियंश बने हो, कहीं से कहीं तक हम में त्रियंशों जैसे कोई संस्कार तो दिखाई दे ही नहीं रहे। नहीं सुन रहे? अब संस्कार भी गिना है क्या, त्रियंशों जैसे कैसे संस्कार होते हैं? त्रियंशों जैसे भी संस्कार अगर आपको देखने को मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे बताओ। मान के चलो जैसे कोई गाय है गली में घूमती रहती ना, इस घर के सामने गई, वहां पर कुछ भी पड़ा था, थैली वगैरह कुछ भी, छिकले छिलके वगैरह कुछ भी, वो वहां पे मुंह मारा उसने, समझ आ रहा, कुछ मुंह में डाला, कुछ निकाला, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ गई, फिर दूसरे के घर के सामने गई, फिर वहां कुछ घूरे पे कुछ मिल गया, कुछ वहां से उसने उठा लिया, कुछ वहां से खा लिया, थोड़ा सा वहां पर भी उसने कुछ बिखेर दिया, फिर आगे बढ़ गई, वहां से वहां तक गई, तब तक भी उसके मुंह में कुछ रखा हुआ है और वो चल रही है, और चलते चलते फिर उसको कुछ सामने दिख गया तो उसने वहां पर भी मुंह मारा, वहां पर भी सूंघा, देखा कुछ अपने काम का है कि नहीं, उसे लगा कि इसमें कुछ भोजन ही, कुछ भोजन की जैसी कुछ पदार्थ है, कुछ गंध आ रही है, उसने फिर उसको अपने अंदर डाल लिया, और दिन भर उस गाय का उस पशु का यही काम चलता रहता है। सुन रहे हो? अब आप कहते हो हम मनुष्य हैं, हम बहुत समझदार मनुष्य हैं महाराज, हमने बहुत बड़ा विकास कर लिया है, हम कंप्यूटर के जमाने में पैदा हुए हैं। अब आप देखो कि हमारे अंदर संस्कार कैसे हैं। अब मुझसे बुराई मत मान लेना। अब हम अपने आप के संस्कारों को पशुओं से थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे संस्कारों में कुछ पशुओं की गंध आती है कि नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखा जाए तो घर से निकले, एक पाव छीला, मुंह में डाला, अपनी दुकान तक नहीं पहुंचे, बीच में एक पान की दुकान पड़ी, फिर वहां पे खड़े हो गए,
फिर वहां पे जो पुराना मुंह में था उसको थूका, फिर नया मुंह में डाला, फिर आगे बढ़े, फिर अगली दुकान पर पहुंचे, अपनी दुकान पर बैठ गए। दुकान पर बैठने के बाद में थोड़ी सी ग्राहकी की और फिर जो है कहीं फिर कुछ पान आ गया, फिर कुछ सुपारी आ गई, फिर कुछ पाउच आ गया, फिर कोई व्यक्ति आ गया, फिर उसके सामने खोला, आधा उसको दिया, आधा अपन ने खाया, आधा फेंका, शुरू हो गए। नहीं समझ आया? चल रहा है, कभी मुंह में पान सुपारी चाहिए, कभी रजनीगंधा चाहिए, कभी तलब चाहिए, कभी कुछ रास्त्री चाहिए, सब चाहिए, और बीच बीच में फिर कुछ चाय भी चाहिए, कुछ ब्रेड भी चाहिए, कभी बिस्कुट भी चाहिए, कभी पिज्जा भी चाहिए, कभी बर्गर भी चाहिए, सब चाहिए। सुबह का भोजन अलग चाहिए, शाम का भोजन अलग चाहिए, सब चाहिए, ब्रेकफास्ट डिनर सब चाहिए। क्या चल रहा है? नहीं महाराज, हम पशु की तरह थोड़ी ना खाते हैं, हम तो कप प्लेट में चाय पीते हैं, हम तो अरे ये डोसा वोसा खाने लगे ना जो लोग तो हाथ से नहीं खाया जाता डोसा, हाँ उसमें कांटा लगाया जाता है, चिमटी लगाई जाती है, तब वो कांटे से चिमटी से बना करके जो है वो लिया जाता है, जैसे चिमटी में आधा लटक रहा हो अपने मुंह में डाला जाता है, वो भी एक खाने का स्टाइल है। समझ आ रहा है? क्या कर रहे हैं हम तो महाराज बस पढ़े लिखे मनुष्य हैं, सभ्य मनुष्य हैं, इसलिए कांटे का, चिमटी का, चम्मच का, कप प्लेट का प्रयोग कर रहे हैं। जानवर तो इन चीजों का प्रयोग करना जानती नहीं, तो आप हमको जानवर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अब आप समझ सकते हो कैसे कंपेयर किया जा सकता है। जानवर भी खा रहा है, उसके भी खाने का कोई भी नियम नहीं है, कोई भी खाने का उसका कोई भी ढंग नहीं है, वो जैसे भी मिलता है खा लेता है। आप भी क्या करते हैं? जो भी आपके सामने आ जाता है, भाई आज पाउच कहां गया, आज सिगरेट कहां गई, उसने निकाली आधी तुमको पिलाई आधी खुद पी, आधा उसने खाया आधा तुमने खाया, फिर एक आया फिर दूसरा आया, और ये क्रम दिन भर दुकान पर बैठे बैठे चलता रहता है। दुकान से घर तक आओगे, घर से दुकान तक जाओगे, कहीं से कहीं तक जाओगे, रास्ते में जितने भी जगह पर आपका मुंह खुल सकता है आप खोल लेते हो, जितनी जगह पर आपको थूकना होता है आप थूक लेते हो, और ये क्रम चलता रहता है। अब बताओ जानवर के इस क्रम में और अपने इस क्रम में क्या बड़ा अंतर है? भले ही जानवर के पास में खाने के लिए वो चिमटी ना हो, कांटे ना हो, लेकिन वह भी खा तो लेता ही है ना, और वह खाते हुए भी कुछ ना कुछ उसके मुंह में लटका रह जाता है, कुछ ना कुछ वह भीतर कर लेता है, खाता तो वैसे ही। आप भी सोचें हमारे संस्कारों में क्या है, जब कभी भी आदमी को खाने के लिए कहा जाता था तो उससे कहा जाता था अपने हाथों से खाओ। किससे खाओ? हाथों से खाओ। चम्मच की चीज हो तो चम्मच से खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये कांटे और चिमटी से खाने की पद्धति कहां से आ गई? ये पद्धति कहां से आ गई बताओ? ये कोई स्टाइल नहीं है, ये सब पद्धतियां जो आपके सामने आई हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मांसाहार करने वाले जीवों की स्टाइल हैं। ये सब चिकन बिरयानी खाने वाले लोगों को देखना कैसे खाते हैं, ये सब मांसाहार लोग इस तरीके से
चिमटियों से निकालना, चाकुओं से निकालना, इस तरीके से निकाल निकाल करके खाने की जो ये पद्धति है, यही पद्धति शाकाहार में जोड़ी गई है। ये विदेशों से आई हुई इस तरीके की ये सब पद्धतियां मांसाहारी लोगों से आई हुई पद्धतियां हैं। तो अब इस तरीके की जब ये पद्धति चल रही है, तो आप सोचो कि उधर जानवर कोई भी चीज को खाता है, नोचता है, अपने नाखूनों से नोच के खा लेता है, इधर आप क्या कर रहे हो? इधर भी आप किसी ना किसी तरीके के कोई नाइफ से, किसी भी चीज से आप उसको नोच रहे हो और ले रहे हो। संस्कारों को अगर देखना हो तो देख सकते हो, जानवरों के संस्कार आज भी मनुष्यों में दिखाई दे सकते हैं, बुरा नहीं मानना। बस जब आचार्य इस तरह की बातें लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये सब हमारा अतीत हो चुका है, हमें कुछ पता ही नहीं होता, या हम वैसे होते ही नहीं है क्योंकि हम यहां पर बहुत अच्छे बने बैठे होते हैं। लेकिन जब हम अपने संस्कार देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हमारे संस्कारों में आज भी ये सब चीजें शामिल हैं जो चीजें हम पशुओं के साथ होता हुआ देखते हैं। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणम सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं, अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स, 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620,